आज के वेटलॉस ड्रिंक को आप 10 से 15 दिन के लिए 100 रुपए के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। जब भी आपका दिल करता है वेटलॉस ड्रिंक पीने का, आप इसको निकालेंगे, बनाएंगे और पी लेंगे। है ना कितना आसान। शायद कोई पहला एक ऐसा ड्रिंक देने जा रही हूँ जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी वेट लॉस ड्रिंक को। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वीडियो को देखते देखते जब आप एंड तक जाएंगे आपको पता लग ही जाएगा। इसीलिए स्किप करने का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता है, ध्यान से देखना है सारा वीडियो। आपने देखा होगा कि जब भी हम वेट लॉस ड्रिंक पीते हैं तो उनसे हमें कई बार कमजोरी, थकान, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हम उनके अंदर डालते हैं वो इतने तेज होते हैं कि उनसे हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और जिनकी बॉडी की तासीर थोड़ी गर्म होती है, पित्त प्रकृति की होती है, तो उनकी बॉडी में जब वो ड्रिंक जाते हैं तो और फास्ट तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि सप्लीमेंट लेना काफ़ी जरूरी हो जाता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम ना हो। लेकिन आज का जो ड्रिंक है इससे आपको कमजोर या फिर चक्कर नहीं आएंगे, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे आज का ड्रिंक पीने के बाद। हमारा जो मोटापा या प्रेगनेंसी के बाद आता है, बैठे बैठे काम करने से आता है, फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या फिर किसी किसी को, मेरे फैमिली मेंबर में जो मेरे भाभी हैं उनको स्ट्रेस की वजह से मोटापा आता है, क्योंकि कई लोग जब स्ट्रेस लेते हैं नींद ज़्यादा आएगी और आपकी बॉडी पे जो है मोटापा आना शुरू हो जाएगा। तो आज का जो ड्रिंक है वो आपके स्ट्रेस को कम करेगा और आपके मोटापे को कम करेगा। आज का ड्रिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है हनी, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे आपको लेना है, और फिर मैं बताऊँगी कि स्टोर कैसे करना है। हनी मैं यहाँ पे एक चम्मच के करीब ले रही हूँ। हनी के अंदर नेचुरल शुगर होती है जो आपकी बॉडी में फैट नहीं लाती है, आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। हनी के अंदर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। अब ये बात किस किस को पता थी, किसी को भी नहीं पता थी। ये जो हनी है ये खाने में जितना टेस्टी है उतना ही टेस्टी होगा आपके फैट को बर्न करने में। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो हनी आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा। अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और उसकी वजह से फैट इकट्ठा होता है, तो इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा। यानी हनी आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट लेके आएगा अगर आप इसको पीना शुरू कर देंगे। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, आपको ना केवल पतला करेगा बल्कि आपकी बॉडी को स्ट्रोंग बनाएगा, पूरा दिन एनर्जी डाल देगा अगर आप सुबह सुबह ये ड्रिंक बना के पी लेते हैं तो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आधा चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये ऑयल है, इसके अंदर फैट है, ये हमारी बॉडी में फैट लेके आएगा, चिकनाई है इसके अंदर। यकीन मानिए जब आप कोकोनट ऑयल के बारे में पढ़ेंगे और जब आप इसको लेना शुरू कर देंगे तो अपने आप आपकी बॉडी आपको बता देगी कि ये आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा कर रहा है या फिर उस फैट को ये पिघला रहा है, क्योंकि ये फैट को फैट के रूप में नहीं जमेगा बल्कि आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, जो खाना खाएंगे उसको जगह नहीं मिलेगी आपकी बॉडी के अंदर ताकि वो फैट में कन्वर्ट हो जाए, जो खाएंगे साथ के साथ पच जाएगा और आप पतले बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो कोकोनट ऑयल इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए और प्लस आपकी स्किन को चमका देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आधा चम्मच सिनेमन पाउडर। अब सिनेमन इतनी पावरफुल हब है कि जब आप इसको लेंगे आपका वजन कम होगा और जो एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम आपको आई जा रही है क्रीम मॉइस्चराइजर पैक लगाने के बाद भी, उसको भी ट्रीट करेगा, क्योंकि भरपूर होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं और बहुत ही पावरफुल एजेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ओके, ब्लड की सप्लाई अच्छे से होगी, आपकी जो बॉडी है वो अंदर से फ्रेश फील करेगी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा, आपके पेट को प्रॉपरली तरीके से क्लीन करेगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भी उसको ये क्लीन करने में आपकी मदद करेगा। तो ये जो तीनों इंग्रेडिएंट हैं ये आपको अच्छे से मिक्स कर देने हैं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो भी सिनेमन आपकी यहाँ पे मदद कर सकता है, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को कम करता है। तीनों इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए। ओके, यहाँ तक समझ आया सारी बातें किस तरीके से आपको। अब जो ये ड्रिंक है ना, ये जो आप हमने मिश्रण बनाया है ये सिर्फ एक टाइम का बना है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप इसको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करने जा रहे हैं ना, तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे, यानी इसकी क्वांटिटी वैसे ही आप दोगुनी कर देंगे, यानी कि हनी की थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, सबसे कम क्वांटिटी होगी कोकोनट ऑयल की और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी होगी सिनेमन पाउडर की। एक कांच के जार में इन तीनों का मिश्रण बना लेंगे, फ्रिज में रख देंगे
और जब भी आपको इसे पीना है सुबह, आप निकालेंगे इसकी एक चम्मच भर के अपने जो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके अंदर डालेंगे और पी लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ मैंने एक टाइम के लिए बनाया है। अब आपको करना क्या है, इसको पीना कैसे है? या तो आप इसको सुबह सुबह गर्म पानी करें, जैसे कि मैं पीती हूँ, गर्म पानी के अंदर इसकी एक चम्मच डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें और इसको पी लें। ओके, समझ में आया ना? मतलब कि आपको बार बार इसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बना के रख दीजिए, रात में भी बना के रख सकते हैं एक टाइम का, और सुबह आप इसको पी सकते हैं। तो गर्म गुनगुने पानी में इसको मिक्स करने के बाद आपको इसे अच्छे तरीके से गट 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 करके आराम से इत्मीनान से बैठना है। दो तरीके बताने जा रही हूँ, पानी वाला हो गया। अगर आपको आदत है कि आप तो सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, बिना दूध की जो कॉफ़ी है उसके अंदर इसकी एक चम्मच डाल देनी है, अच्छे से मिक्स कर देना है और उसे आपको पी लेना है। ये बन के तैयार हो जाएगा आपका मॉर्निंग ड्रिंक, यानी कि आप इसको स्टोर कर लीजिए, आप इसको गर्म पानी के साथ पी सकते हैं और आप इसको कॉफ़ी के साथ भी उसके अंदर डाल के पी सकते हैं। आपको इसकी सिर्फ एक ही चम्मच मिक्स करनी है और ये केवल आपका मॉर्निंग ड्रिंक है। ना तो आप इसको दोपहर में पियेंगे, ना आप इसको रात को सोने से पहले, आपको इसे सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है और फिर देखिएगा इसका कमाल कि किस तरीके से ये आपकी बॉडी पे कमाल धमाल ढाता है। ये इतना पावरफुल मॉर्निंग ड्रिंक है आपका कि जब आप इसको पीना शुरू करेंगे ना, केवल 7 दिनों के अंदर अंदर आपका जो बैली है ना, उसमें आपको 2 से 3 इंच का फर्क दिख सकता है, अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से पीते हैं। तो आप इसको स्टोर करिए, आप इसको फ्रेश बनाइए, आप इसको एक दिन रात में बना के फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के आप उसको पी लें, जैसी मर्जी आपकी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इस ड्रिंक को पिएगा, कोई कमजोरी नहीं आएगा, कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई थकावट नहीं होगी, पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे। फ्रेश नहीं होते हैं तो अच्छे से फ्रेश होना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम को भी कहीं ना कहीं सोल्व करता हुआ चलेगा, ताकि जो फैट है आपकी बॉडी में वो मल के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास होता रहे। तो बहुत अमेजिंगली तरीके से काम करेगा। अगर हो सके तो मैं तो हर बार यही बोलती हूँ वीडियो के एंड में कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लीजिए, ताकि आपकी स्किन ना लटके, आपकी स्किन के अंदर कसाव रहे, है ना। तो मर्जी आपकी है, ड्रिंक पीना चाहें, एक्सरसाइज करना चाहें। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करूंगी कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें, बाय।